दो गैंगरेप आरोपी जो अभी तक फरार हैं उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। तो वारदात के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सख्त एक्शन का भरोसा दिया और कहा था कि किसी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा। जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब जब लोगों को लग जाते हैं कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा धींग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, दो लोगों को दो तीन घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्यवाही होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। गुवाहाटी से हमारी सहयोगी अनामिका दत्ता इस वक्त हमारे साथ में बनी है। अनामिका, क्या हुआ था जब आज सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी तफजुल इस्लाम को? जी हाँ, बात अगर 22 तारीख की करें, जो कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, वही वाला वैसा ही हादसा आसाम के दीन में भी हुआ है, जहाँ पे एक नाबालिग बच्ची जो 14 साल की थी, जो ट्यूशन से घर आ रही थी, उसके साथ तीन लोगों ने ये हरकतें, ये रेप अटेम्प्ट किया और उसको एक सुनसान जगह पे फेंक दिया। हालांकि बाद में स्थानीय जो लोग है उसको वहां से ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अभी उसके जो स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार है, लेकिन बात अगर करें आसाम की, हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद, उस सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इस वारदात की जो भी घटना घटी है, जो भी स्थिति घटी है, उसमें स्टॉक लिया है, मिनिस्टर को भेजा है, एडीजीपी को बोला है, जाके तुरंत इस पे एक्शन लिया जाए।